तो मोदी जी के नाम पर वोट है या नहीं है? नहीं है, मोदी जी के नाम पे वोट नहीं, नहीं, नहीं। उन्हीं के गांव की विधानसभा है उसमें भी वोट नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। मोदी के नाम पर वोट है या नहीं है? इधर मोदी के नाम पर नहीं है, मोदी के नाम पर नहीं है ना। क्योंकि मोदी जी ने बहुत महंगाई बहुत ज्यादा दी थी, महंगाई ज्यादा कर दी है, बहुत ज्यादा कर दी। मोदी जी का नाम पर अगर उनके गांव की सीट वाले पे वोट नहीं मिलेगा तो किधर मिलेगा? उनके नाम पे तो पूरे देश में बीजेपी वोट मांगती है। बीजेपी मांगती है लेकिन महंगाई नरती है सबको, महंगाई मारती है, मारती है। और वो बोलते हैं सच बोलते नहीं है। मोदी जी के नाम पर नहीं है वोट? नहीं, मोदी पर स्थानीय उम्मीदवार पर, स्थानीय उम्मीदवार के नाम पर वोट है। स्थानीय उम्मीदवार मोदी के नाम पर नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। उर्वेश भाई पटेल जो है वो आप में हमारा स्थानिक हमारा अपना उम्मीदवार है, इसलिए। तो अभी मोदी जी को वोट नहीं? अभी नहीं। मोदी जी के गांव में खड़े होकर के क्या क्या बात बोल रहे हैं? अब कोई लोग कहेंगे कि पता नहीं किससे इनसे बुलवा दिया, जबरदस्ती बुलवा दिया है, अब लोग भी ऐसा भी कहेंगे। खैर, गुजरात विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी हॉट सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव वाली विधानसभा है ये, और इसका नाम है ऊंझा। यहां से 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गांव होने के बावजूद ये सीट बीजेपी हार गई थी। इस बार क्या होगा? इस बार क्या वाकई नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लोग वोट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? करली गांव है, एक बड़ा गांव है, आप देख रहे होंगे, और करीब साढ़े चार हजार के करीब जो है वो यहां पर मतदाता है। छुटपुट जो है वो 10-5 लोग इधर बैठे हैं, 10-5 लोग उधर बैठे हैं, 10-5 लोग उधर बैठे हैं, और मैं अलग अलग जगह पर लोगों के बीच में आपको लेकर के जाऊंगा। और क्या वाकई इस चुनाव में मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ये टटोलने की कोशिश रहेगी। तो बहरहाल कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, इनसे बात करते फिर आगे उधर की तरफ चलेंगे। तो मोदी जी का गाँव है वडनगर, और वडनगर गाँव की ही ये सीट है ऊंझा। मोदी जी के नाम पर वोट है? नहीं, यहाँ तो जो मुखबारी लगती है, मोदी यहाँ नहीं चलता, प्रॉपर उम्मीदवार है। हाँ, ये उर्वेश भाई है, एक गांव के प्रॉपर उम्मीदवार है। झाड़ू चलता है ज्यादा। मोदी जी के नाम पर नहीं है वोट? नहीं, मोदी पर स्थानीय उम्मीदवार पर, स्थानीय उम्मीदवार के नाम पर वोट है। स्थानीय उम्मीदवार तो मोदी जी है, मोदी जी के नाम पर नहीं है क्या? नहीं है, ये अच्छा उम्मीदवार है, सारा उम्मीदवार है इधर पे। लेकिन सवाल तो ये है ना, मोदी जी का नाम पर अगर उनके गांव की सीट वाले पे वोट नहीं मिलेगा तो किधर मिलेगा? उनके नाम पे तो पूरे देश में बीजेपी वोट मांगती है। बीजेपी मांगती है लेकिन महंगाई नरती है सबको, महंगाई मारती है, मारती है। और वो बोलते हैं सच बोलते नहीं है। अच्छा, मोदी जी के नाम पे, मैं मेरा सवाल यही है कि मोदी जी के नाम पर पूरे देश में बीजेपी वोट मांगती है, उनके गांव वाली सीट पर उनको वोट नहीं मिलेगा क्या? इसलिए नहीं मिलेगा कि यहाँ का इस विधानसभा में ऊंझा मत विस्तार 21 में हमारा स्थानीय उम्मीदवार है आप में, तो गांव वाले उनको ही वोट करेंगे। पर मोदी के लिए वो सही है, वो 14 जो 24 में आएगा इलेक्शन उसमें वो मांगे हो, ये तो लेकिन वो कह रहे कि महंगाई है तो महंगाई 24 में नहीं लगेगी, लगेगी ना। हाँ, क्यों नहीं लगेगी? तो उसमें वोट देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, वो तो उस बात की, वो उस समय की बात है ना। अभी तो यहाँ का उर्वेश भाई पटेल जो है वो आप में हमारा स्थानिक हमारा अपना उम्मीदवार है, इसलिए। तो अभी मोदी जी को वोट नहीं? अभी नहीं। ठीक है, अच्छा आप बताओ क्या नौजवान जो है आप लोग, क्योंकि नौजवान खास करके माना जाता है बीजेपी का वोटर है, तो मोदी जी के नाम पर वोट है या नहीं है? नहीं है, मोदी जी के नाम पे वोट नहीं है। नहीं, उन्हीं के गांव की विधानसभा है उसमें भी वोट नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। मोदी जी के नाम पर है कि नहीं है? मोदी जी के नाम पर केंद्र सरकार में वोट मिलेगा, लेकिन गुजरात की सीट ऊपर ऊंझा विधानसभा की सीट पर यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, हमारा स्थानिक उम्मीदवार है। ठीक है, तो देखिए छोटे छोटे जो है वो टोलियों में लोग बैठे हैं, और मैं छोटी छोटी टोलियों में ही जो है वो आपको लेकर के जाऊंगा, वहीं पर जहां पर लोग बैठे हैं वहीं पर हम लोग पहुंचेंगे। और सवाल सबसे बड़ा यही कि भाजपा मोदी जी के चेहरे पर, मोदी जी के नाम पर पूरे देश में वोट मांगती है, लेकिन उन्हीं के गाँव की सीट पर पिछली बार भी भाजपा हार गई थी, और इस बार जो है क्या वाकई फिर से वो पिछली बार का इतिहास होगा या इसी बार का जो है वो रहेगा, ये कुछ परिवर्तन जो है उसमें बदलाव होगा? तो देखिए जरा, कुछ लोग यहाँ पे भी बैठे हैं, मैं यहाँ पर भी कुछ लोगों से बात करूँगा। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, हम लोग ऊंझा विधानसभा में है। अच्छा। और मोदी जी के वडनगर गांव वाली विधानसभा है ये। अच्छा। तो मोदी जी के नाम पर वोट है इस बार कि नहीं है? मोदी जी का वोट पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है, उनके गांव की विधानसभा में भी नहीं है, आज तक नहीं मिला।
आज तक हमने नहीं देखा 27 साल में, हमारे 60 साल उम्र होने वाली है, फौजी है रिटायर्ड हम, लेकिन आज तक मोदी जी को वोट मिला ही नहीं उनके लिए। फौजी तो उनका कहते हैं कि ज्यादा समर्थक है वो, नहीं है कोई समर्थक नहीं है। वडनगर में तो उनको कभी नहीं मिला समर्थन, क्यों ऐसा? ज्यादातर है आम आदमी पार्टी में, मोदी के क्यों है वो खिलाफ है लोग, सब जानते हैं इसलिए। मोदी जी के बारे में हर जब जानते हैं, क्या जानते हैं? हम वडाप्रधान के बारे में नहीं बोल सकते कि हमारे देश के है, इसलिए हम नहीं बोल सकते, जानते लेकिन है। सब जानते हैं कि आदमी किस टाइप के, उनके क्या नीति है, उनको बोलने का चलने का क्या है, वो सब जानते हैं, लेकिन हम हमारे देश के वडाप्रधान के बारे में हम नहीं बोल सकते। बड़ी बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जानते सब हैं, लेकिन इस वक्त वो एक पद पर है, उस पद का सम्मान करें इसलिए बोल नहीं रहे, ये बात है। नहीं तो हर बार मिलता वडनगर से, आज तक कभी नहीं मिला उनको, वडनगर से हर बार आते हैं उनके गढ़ में। ठीक है, ये चाचा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मोदी जी के नाम पर, मोदी की विधानसभा है तो दादा ये बताओ कि मोदी के नाम पर वोट है या नहीं है इधर? मोदी के नाम पर नहीं है। मोदी के नाम पर नहीं है ना, क्योंकि मोदी जी ने बहुत महंगाई, बहुत आजाद दी थी, महंगाई ज्यादा कर दी है, बहुत ज्यादा कर दी, गैस ना 1100 रुपया। मोदी के नाम पर नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, अमित शाह निकल जाएगा तो मिलेगा। अच्छा, लेकिन ये तो उनके गांव वाली सीट है, अब तो उनका गांव बाजू का गांव है, गांव वाली सीट है हाँ। लेकिन अमित शाह इसको आगे महंगाई बढ़ाने को बोलता है, सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अमित शाह निकल जाएगा। अच्छा, ये आप बताओ, बोलो क्या नाम हुआ आपका? गोपाल भाई। गोपाल जी आप बताइए कि मोदी के नाम पर इधर लोग वोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मोदी के नाम पे वोट तो आज तक तो किया है बराबर हाँ। अभी नहीं करता, क्यों नहीं करता है कि सरकारी ऑफिस के दफ्तर में छोटे लोग बहुत हैरान होता है, परेशान होता है, होता है ना, आपको मालूम नहीं क्या? नहीं मेरे को, आप बताओ, हम इसी मालूम करने के लिए आपके गांव आए हैं। और दूसरा ये जो भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है तो उसमें उसको ध्यान नहीं दिया है, विकास नहीं बराबर, तो इसीलिए पब्लिक नाराज है। ये लोग वोट नहीं दे रहे मोदी के नाम पर? हाँ, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, पक्का है? पक्का, बेकारी बहुत है। ये सही कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर एक वोट तो बनता है? नहीं बनता है, बनता है, देंगे मोदी को वोट देंगे कि नहीं देंगे? देंगे हाँ, मोदी जी को वोट मोदी के नाम पर इधर है या नहीं है? नहीं है। इनसे गांव वालों से, ये लोग खड़े, इनसे डर तो नहीं रहे हो? नहीं नहीं नहीं, घरे और कोई किसी से नहीं डरता। तो मोदी जी के नाम पे वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा उनको? और मेरे अकेले से वोट से मोदी जी आएगा? नहीं नहीं, आप अकेला देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं? अकेला देना चाहता हूँ, देना चाहते हैं। हाँ। ठीक है, तो मोदी जी के नाम पर वोट है या नहीं है? नहीं है, मोदी जी के नाम पे वोट नहीं है? नहीं नहीं, उन्हीं के गाँव की विधानसभा है उसमें भी वोट नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। मोदी के नाम पर वोट है या नहीं है इधर? मोदी के नाम पर नहीं है। मोदी के नाम पर नहीं है ना, क्योंकि मोदी जी ने बहुत महंगाई, बहुत आजाद दी थी, महंगाई ज्यादा कर दी है, बहुत ज्यादा कर दी। मोदी जी का नाम पर अगर उनके गांव की सीट वाले पे वोट नहीं मिलेगा तो किधर मिलेगा? उनके नाम पे तो पूरे देश में बीजेपी वोट मांगती है, बीजेपी मांगती है, लेकिन महंगाई नरती है सबको, महंगाई मारती है, मारती है, और वो बोलते हैं सच बोलते नहीं है। मोदी जी के नाम पर नहीं है वोट? नहीं, मोदी पर स्थानीय उम्मीदवार पर, स्थानीय उम्मीदवार के नाम पर वोट है, स्थानीय उम्मीदवार। मोदी के नाम पर नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। उर्वशी भाई पटेल जो है वो आप में हमारा स्थानिक, हमारा अपना उम्मीदवार है, इसलिए। तो अभी मोदी जी को वोट नहीं? अभी नहीं। मोदी जी के गांव में खड़े होकर के क्या क्या बात बोल रहे हैं? अब कोई लोग कहेंगे कि पता नहीं किससे भी इनसे बुलवा दिया, जबरदस्ती बुलवा दिया है, अब लोग भी ऐसा भी कहेंगे। खैर, खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर।